आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बुधवार को एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीज मिलने की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर कम है, जिसके चलते रिकवरी रेट एक बार फिर गिरने लगी है। 24 घंटे में 32 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बुधवार को कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों की संख्या 32 रही, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया। 6,889 मरीज दे चुके हैं कोरोना को मात। आगरा जनपद में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में अब तक 6,889 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। आगरा में रिकवरी रेट 93% से कम। पिछले 6 दिनों से आगरा में रिकवरी रेट में लगातार कमी आ रही है, जिसके चलते एक समय 93.5% तक पहुंची रिकवरी रेट अब 92.54% तक रह गई है। जिले में 408 एक्टिव मरीज। सोमवार को नए पॉजिटिव केस मिलने की संख्या स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या से कम रही, जिसके चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई। बुधवार को एक और कोरोना मरीज की मौत। बुधवार को एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। नवंबर के महीने में अब तक 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 147 मरीजों की हो चुकी है मौत। आगरा जनपद में अब तक 147 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अप्रैल के महीने में 14, मई में 28, जून में सर्वाधिक 44, जुलाई में 13, अगस्त में 8 और सितंबर के महीने में 20 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। वहीं अक्टूबर के महीने में भी 19 मरीजों की जान चली गई। आगरा में 2% से कम है मृत्यु दर। आगरा में भले ही 147 मरीजों की मौत हुई हो, लेकिन राहत की बात यह है कि डेथ रेट में लगातार कमी आ रही है। इस समय आगरा में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1.97% है।